वॉट इज रेवरब्रेशन एक्चुअली हमने अभी अभी एको के बारे में पढ़ा वॉट वॉज एको कोई भी हमारा साउंड का सोर्स है उससे साउंड निकल के कोई एक पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो के हमारे पास में आती है सो दैट इज कॉल्ड दी एक्ो बट अगर ये रिफ्लेक्शन एक से ज़्यादा बार हो जाए लाइक आईव सी शोन यू ओवर है ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर एक बार हो रहा है एंड देन इट इज़ अगेन हैपनिंग ऑन दिस एंड एंड देन रीचिंग द ऑब्जेक्ट और द रिसीवर तो इस फेनोम को हम बोलते हैं रेवरबरेशन सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रेवरबरेशन अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट बाई रिपीटेड रिफ्लेक्शन सो दिसड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवरबरेशन इन एन ऑडिटोरियम और अ बिग हॉल एक्सेसिव रेवरबरेशन इज हाईलीजरेबल आप नहीं चाहते कि एक बड़े से हॉल में लाइक अ थिएटर हीरो डायलॉग बोले और वो बार 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 सुनाई दे ताकि आप नेक्स्ट डायलॉग ना सुन पाए नो बडी वॉन्ट्स दैट तो इस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना होता है दिस एलिमिनेशन इज डन बाई वेरियस मेथड्स फॉर एग्जाम्पल द रूफ्स एंड द वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड बाई साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज इससे हम हमारा जो रूफ होता है कॉन्सर्ट हॉल्स का या थिएटर्स का उसको हम कवर कर देते हैं ये क्या करते हैं जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है जब हमारा सोर्स से साउंड निकल रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे सो दे विल स्टॉप द रिवर्बरेशन एट दैट पॉइंट ऑल्सो यू मस्ट नॉट बी नोइंग द सीट मटीरियल्स आर ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हाँ जो हम सीट सेलेक्ट करते हैं थिएटर हॉल्स में वो कम्फर्ट के लिए भी होती है बट अलॉन्ग विथ सींग दम्फर्ट द प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो स्विंग देअर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज ताकि वो सीट पर एक बार टच हो जाए साउंड तो आपस रिफ्लेक्ट करके फिर से एको यार रेवरबरेशन कॉज ना करे सो दैट दे एब्जॉर्ब द साउंड एंड गिव यू अ गुड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस सो दिस इज़ हाउ वी एलिमिनेट रेवरबरेशन नाउ देर आर मेनी अदर यूज ऑफ ऑल्सो रेवरबरेशन हमने अभी भी पढ़ा कि हमें अनडिज़ायरेबल नॉइज़ है पर इसके कुछ एक हमारे यूजेज भी होते हैं सो लेट स्टार्ट विद दी यूजेस हमारा फर्स्ट यूज इसका है दे आर यूज इन मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स हॉर्न्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने बड़े बड़े से ट्रम्फेट्स या तो ऐसे आपने लाउड हेलर्स देखे होंगे और इसमें मल्टीपल फ्लिक्शंस कैसे हेल्प करते हैं मान लेते हैं कि किसी ने भी ये पकड़ा नहीं होता एंड ही वॉर जस्ट शाउटिंग इन द एयर तो आवाज़ हर जगह पे हमारी फैल जाएगी बट इफ वी यूज समथिंग लाइक दिस हमारी साउंड इसके सरफेस से बार बार रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी साइड निकलेगी एंड द साउंड टू वोंट लूज इट्स एनर्जी अगर हम ऐसे चिल्ला रहे होते तो हर जगह स्कैटर होने के बाद में इतना अच्छे से सामने नहीं सुनाई देता बट नाउ वी आर फोकसिंग आर साउंड एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द मेगाफोन्स सो दिस इज हाउ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन हेल्प इन दिस केस नेक्स्ट अप वी हैव द स्टेथोस्कोप आपने कभी डॉक्टर को विजिट किया हो तो ही यूजेज समथिंग लाइक दिस टू मेजर और टू हीयर योर हार्ट बीट वो अपने कानों में लगाता है एक एंड और दूसरा आपके चेस्ट पर रखता है सो दैट ही कैन हेयर योर हार्ट बीट प्रॉपरली अब इसको ये कैसे हेल्प करता है बिकॉज वेन ही पुट्स दिस ऑन योर चेस्ट द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट्स गो इन टू दिस वायर नाउ अगेन लाइक द लाउड हेलर्स दिस साउंड वोंट स्कैटर वो इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद में फाइनली उसके कानों में उसको सुनाई देगी सो ही कैन क्लियरली हेयर योर हार्ट बीट नाउ इसके जस्ट पहले हमने बात करी कि रेवरब्रेशन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे लिए एक हैज़ल बन सकते हैं प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं तो इसको हम ठीक कैसे करते हैं वी कर्व द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स अगर हम इसको स्ट्रेट रखते तो हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में ये पीछे के एंड को स्ट्राइक करे और फिर हमें सुनाई दे सो अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम सो टू एलिमिनेट दैट वी कर्व द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व करने की वजह से ये रिफ्लेक्ट होके भी डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी सो वी विल बी एबल टू हियर द साउंड प्रॉपरली नाउ हमारे कॉन्सर्ट हॉल्स के अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड अ कर्व साउंड बोर्ड वी टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई पियानो प्ले करने वाला बैठा हो नाउ वेन ही प्लेज द पियानो उस उसकी जो साउंड होगी वो हर जगह फैलेगी आगे तो ऑडियंस बैठेगी जहाँ पे वो साउंड जानी चाहिए वॉट अबाउट एट द बैक वो साउंड पीछे जब जाएगी तब वहाँ पे एक साउंड बोर्ड लगाया जाता है विच इज कर्व्ड नाउ वाई इज दिस कर्व्ड बिकॉज बाय द लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब ये साउंड ऐसे इस काउंड साउंड बोर्ड पर स्ट्राइक करेगी देन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑडियंस तो मतलब पीछे स्ट्राइक करके वो ऑडियंस की तरह वापस साउंड जाएगी ताकि हमारे साउंड एनर्जी कम लूज हो और वो ऑडियंस को प्रॉपरली सुनाई दे सो दीज वर द यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड